हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनु। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आज आपको पूरे रिजल्ट का, आपको उसका, आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड सबका मिला के आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और कैसे कैसे इसमें आप पास हो गए तो इसमें आपको कितना क्या लेके आना, कैसे क्या करना है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आज मैं उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि आपका फाइनल सिलेक्शंस कैसे होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे कि फाइनल सिलेक्शन होता कैसे है। ये तो अभी सबको पता है कि टायर फर्स्ट का टायर जो फर्स्ट सब बच्चों ने दिया, इसमें तो कट ऑफ के हिसाब से आएगा। जिसका हाईएस्ट कट ऑफ रहेगा, जिसका सबसे ज़्यादा अच्छे से कट ऑफ में आ जाएगा, उनका सिलेक्शन फर्स्ट टायर में हो जाएगा। मगर फर्स्ट टायर के बाद क्या, अगर आपको, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, मेरा सिलेक्शन होने के 99% के चांसेस हैं, तो मैं आगे के प्रोसेस को और अच्छे से समझ के रखूँगी कि चलो अब मेरा सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होगा। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाली हूँ कि आपको अभी से नॉलेज हो जाए कि फाइनल सिलेक्शन होता कैसे है। ठीक है, लास्ट 2 साल के हमने सारे रिकॉर्ड्स निकाल के, जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपके वो 2 साल के जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। बट कैसा, हर चीज़ अलग अलग अवेलेबल किया है, पीडीएफ हर चीज़ ये वो, तो थोड़ा सा टाइम जाता है उसमें हर चीज़ दिखाने के लिए। तो मैं आज आपको सब कुछ समझा दूँगी कि फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, देखा जाए तो A to Z सारे इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए लेके आता है। पूरा गवर्नमेंट की वैकेंसी, जितनी भी सारी गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, सारे डिटेल, सारे इन्फॉर्मेशन A to Z सारा आपको ये प्रोवाइड करता है। कोशिश करता है फर्स्ट टू फर्स्ट आप तक सारी इन्फॉर्मेशन ये पहुँचा सके, हमारा ये स्मार्ट नौकरी चैनल। और इतना ही नहीं, आपको वो जब कोई वो वैकेंसी बताता है तो उसके सजेशन, एडवाइस, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, देखा जाए तो A to Z सारे इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करता है। तो चलो चलते हैं सारे इन्फॉर्मेशन में बिना टाइम वेस्ट किए, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है। ये आपका DRDO का PDF है, आपको सबको पता है। मैं यहाँ पे जिसका बताने वाली हूँ, मैं A and A का बताने वाली हूँ, जिसका एग्ज़ाम अभी 23rd November में एग्ज़ाम हुआ है, मैं उनके फाइनल सिलेक्शन की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ कि थोड़े से टायर हिसाब के हिसाब से कैसे हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपके यहाँ पे लिस्ट ढूंढ लेती हूँ वो यहाँ पे फर्स्ट टायर सेकेंड का कहाँ पे दिया गया है। तो इस तरफ से मैं पूरा इन्फॉर्म, हाँ ये है आपका टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड, आपको ये पूरा प्रॉपर अच्छे से दिख रहा है। आपका जो टायर फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ये आपका टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। तो ये जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम आपका हुआ था वो कुछ 150 मार्क्स का था। ठीक है, 150 मार्क्स का। अब इसका तो कट ऑफ के हिसाब से होगा, किसका 75-80% कट ऑफ आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो कट ऑफ के बेस पे है, जिसका कट ऑफ की लिस्ट पे नाम आ जाएगा अब वो आ जाएगा सेकेंड टायर के टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहती हूँ कि जो ये आपका स्किल टेस्ट है, इस स्किल टेस्ट में क्या उन लोग करवाने वाले हैं ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये स्किल टेस्ट में उन लोग आपको कंप्यूटर की टाइपिंग करवाएंगे, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग आपको करना है, स्पीड में आना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, वो आपको लैंग्वेज वाइज में क्या करना है, टाइपिंग करना है। यहाँ पे आपको टाइपिंग फास्ट स्पीड आपकी चेक किया जाएगा, इसी को हम स्किल बोलते हैं। स्किल मतलब किसी की क्वालिटी हमें यहाँ पे चेक करना है, इस जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्किल के इम्पॉर्टेंट है वो आपका चेक किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपको कंप्यूटर ऐसा PC दिया जाएगा, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको दिया जाएगा पैराग्राफ, उसको फटाफट आपको टाइपिंग करना है। कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको फटाफट सारी चीज़ों को स्पीड में अच्छे से टाइपिंग करना है। ठीक है, तो ये आपको स्किल टेस्ट में पूछा जाएगा। अब जब आप इस टायर में पास हो जाओगे, टायर फर्स्ट टायर सेकेंड, जब इसमें पास होगा तो मैं आपको ये लाइन दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, दिखा आपको। जब आपका फर्स्ट टायर क्रैक होगा, कट ऑफ की, अगर आपकी कट ऑफ की लिस्ट में आ गया तो जब आपका फर्स्ट टायर यहाँ पे क्रैक हो जाएगा, जब आप सेकेंड टायर के एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो सेकेंड टायर में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
कि सेकेंड टायर में शॉर्ट लिस्टेड ढूंढे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे फर्स्ट टायर में चलो सब लोग ने क्रैक कर लिया, वो सेकेंड टायर के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो सेकेंड टायर में कैसा होगा, जो जो बच्चे लोग जिसका स्किल टेस्ट स्पीड हर चीज़ यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट हुआ रहेगा, वही लोग इस सेकेंड टायर को क्रैक कर सके रहेंगे, और वो क्रैक करने के बाद तब जाके वो फाइनल लिस्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड दिया है, सपोज स्किल के टेस्ट में अगर बस 50 बच्चे ही का ही यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तो इस 50 बच्चे में भी वो ढूंढेंगे किसका सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कितनी वैकेंसी है, वो सब प्रॉपर ढूंढने के बाद ही वो उतने बच्चों को लेंगे और उनका फिर वो फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से एग्जांपल और बता देती हूँ। माना फर्स्ट टायर में क्रैक होके 100 बच्चे आए, ठीक है। अब ये 100 बच्चे किस में जाएंगे, सेकेंड टायर के टेस्ट में वो 100 बच्चे जाएंगे। अब इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके लिए जाएंगे। अब इसमें से वो ये सारे 100 बच्चों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसमें से वो देखेंगे कि अगर 60% बच्चों ने अच्छा किया है, ठीक है, 60% बच्चों ने बहुत अच्छा किया, सब लोग उससे आ गए, अब देखेंगे उनके पास वैकेंसी कितनी है। अगर वैकेंसी उनके पास 40 ही है, तब वो क्या करेंगे, इसमें से भी वो शॉर्ट लिस्टेड निकालेंगे और बस 40 बच्चों को ही वहाँ पे जॉब पे रखा जाएगा, वो 40 बच्चे फाइनल सिलेक्शन में आएंगे, इसमें से भी फिर 20 क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएगा। आपको आई होप सो प्रोसेस जो मैंने समझाया वो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, तो यही पूरा प्रोसेस है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, ठीक है। ऐसा आपको नहीं समझ के चलना है कि आपने टाइपिंग अच्छा किया, सब कुछ किया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। वहाँ पे वो देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट में भी कौन है, ठीक है। एक होता है हाई, एक होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन किसने किया है वो बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो जो ये फर्स्ट टायर है ना, फर्स्ट टायर तो बहुत बच्चे क्रैक कर लेते हैं, पर जो सेकेंड टायर होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाईएस्ट एंड गुड क्वालिटी वाले बच्चों को लिया जाता है, ना कि कम थोड़े क्वालिटी वाले बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी, स्किल टेस्ट को इतना ईजी और आसान समझ के नहीं जाना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको टेस्ट में जाना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। अगर किसी को छोटा सा भी डाउट्स होगा तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकता है कि आपको क्या क्या डाउट्स है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।